बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, तो कोरोना का नया वेरिएंट AY4 पाया गया है और अब एक और नया वेरिएंट सामने आ चुका है कोरोना का। इंदौर के 7 मरीजों के सैंपल की पुष्टि की जा चुकी है। नए वेरिएंट को लेकर के एक्सपर्ट चेतावनी जाहिर कर रहे हैं, तो पुराने वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैल सकता है ये वेरिएंट। और अब तक इंदौर में 7 ऐसे मरीज बताए जा रहे हैं जिनके भीतर ये नया वेरिएंट देखा गया है। तो ये खबर आपको बता रहे कोरोना से जुड़ी हुई। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, AY4 इसका नाम बताया जा रहा है, और इंदौर के 7 मरीजों के सैंपल की पुष्टि भी की जा चुकी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में ये वेरिएंट सामने आया है। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर के फिलहाल दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, ऐसे में इसके नेचर को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन कई एक्सपर्ट ने इस वेरिएंट की संक्रामक क्षमता को पुराने वेरिएंट से तेज बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। इंदौर में सितंबर में 7 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए थे। इन सभी के सैंपल 21 सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट दिल्ली के NCDC लैब ने हाल ही में दी है और डेल्टा के इस नए वेरिएंट AY4 की जानकारी देश में सबसे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में मिली थी। अब इंदौर में इससे संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि अब इंदौर के सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इन्हें या इनसे किसी को खतरा नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट AY4 जो अब सामने आ चुका है, इसको लेकर के लगातार डॉक्टरों की तरफ से चेताया भी जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाए, लोगों में ये संक्रमण और तेजी से फैले। लेकिन हालांकि अभी तक जो 7 मरीजों में इस वेरिएंट की पुष्टि की गई है उनके हालात में सुधार नजर आ रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन उनसे किसी को खतरा भी नहीं है। पुराने वेरिएंट के मुकाबले AY4 को गंभीरता से लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब एक्सपर्ट्स के बीच भी ये चेतावनी लेकर के सामने आया है कि आने वाले समय में जो तीसरी वेव की बात कही जा रही है, ऐसे में अगर तीसरी वेव आती है कोरोना की तो ये बेहद खतरनाक वेरिएंट माना जा सकता है। तो नए वेरिएंट की पुष्टि फिलहाल इंदौर में की गई है, जबकि सबसे पहले मुंबई में इस वेरिएंट की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। अप्रैल के महीने में सबसे पहले इस AY4 के वेरिएंट का पता चला था, लेकिन अब जो 7 मरीज मिले हैं ये 7ों मरीज इंदौर के बताए जा रहे हैं, जिनके जब सैंपल इकट्ठा किए गए थे और NDPC जब दिल्ली में भेजा गया तो NDPC लैब में जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इंदौर के 7ों जो पेशेंट बताए जा रहे हैं कोरोना से संक्रमित, इन कोरोना मरीजों के अब वेरिएंट का पता चल गया है और ये नया वेरिएंट जो कि AY4 सामने आ रहा है उसी के लक्षण हैं। तो इंदौर के 7 मरीजों की पुष्टि फिलहाल AY4 वेरिएंट के तहत की गई है।